हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉन्ग टर्म श्योर सेल्टियस में। आज हम PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर की 10 कंपनियों का चुनाव हमने किया है, गवर्नमेंट की कंपनियां, जिससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 10 कंपनियां मैं बता रहा हूं, इसका सीधा मकसद है कि जो लोग डिविडेंड प्रेमी हो, डिविडेंड क्या होता है अगर किसी को ना पता हो तो मैं एक लाइन में कह देता हूं कि डिविडेंड वो है जो कंपनी अपना मुनाफा उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने शेयर धारकों के साथ शेयर करती है, यानी कि जो है सीधे खाते में भेजती है आपके जो भी अकाउंट हो। अब गवर्नमेंट कंपनियां जो हैं उनका डिविडेंड देने का मकसद क्या है? देखिए, सरकार जो है, सरकार को चाहिए खुद मुनाफा चाहिए। सरकार क्योंकि इनकी कंपनियों की प्रमोटर्स है तो उसको भी जो मुनाफा है वो तो चाहिए ना, पैसा उसको चाहिए। गवर्नमेंट को तो पैसे चाहिए, आमदनी चाहिए। तो इस वजह से जो भी शेयर निवेशक होते हैं उनको जो है अच्छा डिविडेंड मिलता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं 10 स्टॉक की। यहाँ पे NMDC हमने चुना है, पहला स्टॉक चुना है, जिसका स्टॉक प्राइस है 96 रुपये। आज तो मार्केट बंद है, आज सैटरडे है, तो करंट प्राइस है 96 रुपया और इसकी जो मार्केट कैपिटल है 29,516 करोड़ की। स्टॉक का जो पी है 9.79 और अगर हम देखें इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपये पर शेयर की है और जो डिविडेंड यील्ड है 5.49% है, यानी कि एक बढ़िया फिक्स डिपॉजिट वाला आपको डिविडेंड मिल रहा है। प्लस साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हाई लो साल का जो गया था 61 रुपये, वही लो गया था जब गिरावट आई थी, और हाई था इसका 140। तो कहीं ना कहीं हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए कि ये ऊपर भी जाता है तो आपको प्रीमियम प्राइस यानी जो स्टॉक प्राइस है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये भी ज़रा ध्यान रखिए कि अभी प्राइस किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो डिविडेंड को फोकस करते हुए इसको हमने पहली कंपनी चुनी, NMDC लिमिटेड। इसका कामकाज है जो आयरन ओरे होते हैं, जो इस्पात वगैरह, लोहे वगैरह, स्टील वगैरह के लिए जो बनाते हैं ना, उसकी जो माइनिंग होती है। दूसरा हमने स्टॉक चुना है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। जो गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं उनमें जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है इंजीनियरिंग की, उस प्रकार से ये कंपनी उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। देखिए, बहुत बहुत सारी कंपनियां ऑयल की हो गई, ये सारी हो गई, वो हो गई, उनको इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कंपनी जो है उनको सोल्यूशन देती है। तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है 6.94% निकल के आ रहा है तो यहाँ पे, और इसकी फेस वैल्यू है 5 रुपये पर शेयर की। अब अगर इसका प्राइस देखते हैं तो 74 रुपये के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और साल का 50 रुपये लो गया था 49 रुपये और 106 रुपये हाई गया था, तो कहीं ना कहीं हाई और लो के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो पी रेशियो है वो 12 का है, बुक वैल्यू 38 की, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है इसका, देखिए 28% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 17% के आसपास है, तो बढ़िया कंपनी है। 4,679 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। तीसरे स्टॉक है, आप सभी जानते होंगे इनके पेट्रोल पंप पे जो है ऑयल भराते होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOC। इसका जो स्टॉक प्राइस है 84 रुपीज़ है, ये 84 रुपये के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। इसका हाई गया था 134 और लो गया था 71 और कहीं देखा जाए तो अभी लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो डिविडेंड यील्ड निकल के आया है 5% का है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर की है, बुक वैल्यू है 110 की, यानी बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ONGC इन एंगेज इन बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल नेचुरल गैस एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। देखिए, गैस या क्रूड ऑयल इन सब की खोज, इनकी खोजना, देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो कामकाज है, इनका काम है कि जो गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इन सब की खोज करना और उसके बाद जो मिलता है उसको सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डेवलपमेंट करना, ये सारा कामकाज है इनका। स्टॉक का जो हाई गया था 134 रुपये, लो गया था 50 रुपये और करंट प्राइस है 78 रुपये के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये भी बीच में ही ट्रेड कर रहा है अपने लो और हाई के बीच में। डिविडेंड यील्ड है इसका 6.37%, ज़बरदस्त डिविडेंड है और जो इसकी बुक वैल्यू 167 और बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, आधे पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी है इसका 6.31 का। कोल इंडिया इंगेज इन माइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल, यानी कोयले का खनन करना, उसको सप्लाई करना, ये सारा कुछ काम है और मतलब एकाधिकार है इनका बिजनेस में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बढ़िया डिविडेंड पे करता है। डिविडेंड यील्ड जो निकल के आया है 9.56%। डिविडेंड यील्ड मतलब एक प्रकार से जो भी आपने पैसा निवेश किया उसका प्रतिशत हिस्सा निकल के आ रहा है, मतलब कितने परसेंट आपको रिटर्न मिल रहा है डिविडेंड के रूप में, ये है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए कितना है, बढ़िया है 73%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 57%। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 5.70 है, तो बढ़िया कंपनी है, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें डिविडेंड वाली कंपनी के रूप में। गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल, इसका जो डिविडेंड यील्ड है 6.23%, फेस वैल्यू 10 की है और
साल का जो हाई गया था 133 रुपये, लो गया था 65, और कहीं ना कहीं हाई और लो के बीच में यानी कि 103 रुपये के प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है। इसकी बुक वैल्यू 113 की, और बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 19%, ज़बरदस्त, और स्टॉक पी है इसका 5 का। तो कहीं ना कहीं देखें तो गवर्नमेंट की जो कंपनियाँ हैं काफ़ी वैल्यूएशन वाइज सस्ती मिल रही हैं, और मार्केट कैपिटल इसकी 46,297 करोड़ की। अल्सो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन टू इंक्रीज द एक्सेस टू गैस सप्लाई थ्रू इक्विटी एंड ज्वाइंट वेंचर पार्टिसिपेशन। जैसे कि आप इंद्रप्रस्थ गैस का नाम सुना होगा, तो वो भी जो है इन्हीं के माध्यम से उनका ट्रांसमिशन वितरण पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं के थ्रू होता है। ये उसकी प्रमोटर्स है, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उसमें है IGL में। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन अगर हम देखते हैं तो ये भी जो है पावर को जनरेट करना और इसको सप्लाई करना इस प्रकार से, और इसका जो स्टॉक प्राइस है 94 रुपये के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, और 125 का हाई गया था और लो गया था 73 का। तो कहीं ना कहीं बीच में ये भी ट्रेड कर रहा है। इसकी बुक वैल्यू 124 और बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसकी पी रेशियो है 7.54, इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसका डिविडेंड यील्ड है 3.33%। अगर किसी ने नहीं देखा कि डिविडेंड यील्ड क्या है, कैसे निकालते हैं, तो आप जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे दिखा हुआ बेसिक स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स करके है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सारा पी रेशियो, क्या बुक वैल्यू होती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो NTPC एक बढ़िया कंपनी, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि आज हम गवर्नमेंट की सारी कंपनियाँ ही फोकस किए हैं। यहाँ पे देखिए PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पावर सेक्टर एंड इज अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से इनका काम है, जो भी पावर की कंपनियाँ उनको ये फाइनेंस करती है। और इसका जो स्टॉक प्राइस है 108 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, हाई गया था 133 का, लो गया था 74 का। तो हाई और लो के बीच में इसकी जो बुक वैल्यू है 214 रुपये की, और कहीं ना कहीं बुक वैल्यू के आधे रेट पे जो है इसका स्टॉक प्राइस है। और स्टॉक पी देखिए यानी कि 2.39, तो वैल्यूएशन वाइज कितना सस्ता है PFC। और डिविडेंड यील्ड देखिए 8.78%, मतलब आप समझिए कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2020 में इसने जो है 9.9% के हिसाब से आपको जो है जो भी पैसा आपने निवेश किया है उसका डिविडेंड यील्ड मिल गया है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा। फेस वैल्यू इसके 10 रुपये की है। नेक्स्ट स्टॉक हमने लिया मोइल लिमिटेड। इसका काम है, मोइल इज द एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैगनीज ओरे फेरो मैगनीज इलेक्ट्रॉनिकली मैगनीज डी ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इन सारे काम काज में है। इसका जो स्टॉक प्राइस है 124 रुपये और इसकी बुक वैल्यू 114 रुपये। तो हालांकि बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, हाई गया था 170 का और लो गया था 85 का, तो हाई और लो के बीच में ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड है इसका 4.85%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ये 8%, और इसका स्टॉक पी है 27। और अगला स्टॉक है रेक। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द अदर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज अदर क्रेडिट ग्रांटिंग द कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंस टू पावर सेक्टर। यानी कि जो गवर्नमेंट का जो यानी सरकार की जो योजनाएं होती हैं कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे सारे जगह बिजली पहुँचे, वहाँ पे जो फाइनेंस की ज़रूरत होती है पावर जनरेशन कंपनीज को, वो ये प्रोवाइड करती है। और भी कई प्रकार के फाइनेंस में जो है इन्वॉल्व है। इसका जो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है देखिए 9% के आसपास आ रहा है। हाई गया था 157 का और लो गया था 78 का। हालांकि देखा जाए तो मार्च में गिरावट के दरमियान काफ़ी नीचे के लेवल पर मिल रहे थे, लेकिन अभी भाग चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो साल का हाई था उसको अभी किसी ने जो है टच नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे अभी भी जो है वैल्यूएशन वाइज देखें, पी रेशियो इसका 3.88 का, बुक वैल्यू 206 की, और बुक वैल्यू से कितने नीचे ट्रेड कर, 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। तो आज ये बताने का यही मकसद है कि जो लोग चाहते हैं कि डिविडेंड से उनको पैसिव इनकम होती रहे, तो आज से ही इन कंपनियों में आप जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और हर गिरावट में अगर और मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी प्राइस का नहीं है, ऐसा कोई स्टॉक प्राइस नहीं जो 1,000 रुपये का या 500 का या 1,500 का है, तो इसलिए आपको करना क्या है, आप जो है पैसिव इनकम को लेकर फोकस्ड हैं और आप चाहते हैं कि मुझे प्राइवेट कंपनियों में निवेश नहीं करना है। क्योंकि होता क्या, बहुत सारे लोग डरते हैं कि किस प्रकार के प्रमोटर हों, कहीं भाग ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनियां जो है यानी जिनके प्रमोटर सरकार है, गवर्नमेंट है, उन कंपनियों को अगर आप फोकस करके लेना चाहते तो इन कंपनियों में निसंदेह बढ़िया कंपनी है, आप निवेश कीजिए। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अगर सोचें कि ये मल्टीबैगर्स बन जाएं तो ऐसी ख्वाहिश मत रखिएगा, बन जाएं वो आपकी किस्मत। देखिए नीचे के प्राइस पे अगर ट्रेड कर रहे हैं
तो ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम प्राइस का भी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप डिविडेंड को फोकस करते हुए, और साथ ही साथ इनमें से बहुत सारी कंपनियां बोनस भी देती हैं टाइम टू टाइम, तो उससे आपके शेयर की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। और यदि कोई स्टॉक स्प्लिट होता, जैसे कि अभी रेक का ही 10 की फेस वैल्यू, भविष्य में कभी मैनेजमेंट को लगा कि चलिए इसकी जो फेस वैल्यू तोड़ देते हैं, तो आपके शेयर्स की क्वांटिटी उसी रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से मैं फिर से जो है एक बार समरी कौन कौन से स्टॉक है मैं आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पे पहला स्टॉक लिया था हमने NMDC लिमिटेड, इंजीनियस इंडिया, तीसरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, चौथा ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ONGC, पांचवा कोल इंडिया, छठा गेल, सातवां NTPC, आठवां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और नवा मोइल लिमिटेड और दसवां रेक लिमिटेड। ये 10 कंपनियां जो हैं आपने अपने आप को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, PSU कंपनीज हैं। देखिए प्रमोटर्स वाइज भारत सरकार है, डिविडेंड वाइज मैंने आपको बता दिया किस प्रकार का डिविडेंड यील्ड निकल के आया है। अब निर्भर करता है कि आप कितने स्टॉक्स किस कंपनी के उठाते हैं। मान लीजिए कोई छोटी प्राइस का स्टॉक है, या हो सकता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1,00,000 का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो 1,00,000 का पोर्टफोलियो आप फोकस करके बना सकते हैं। आपको देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स को कितनी क्वांटिटी रखनी है, और अगर 10 स्टॉक है 10,000 सब में डाल दिया आपने, और फिर से अगर मान लीजिए आपके पास पैसा था थोड़े थोड़े फिर से क्वांटिटी उठाते गए, इस प्रकार से आप निवेश करेंगे तो आप जो डिविडेंड को फोकस करते हुए लंबे समय के लिए निवेश कीजिएगा, आपको जो है समय समय पर डिविडेंड और बोनस मिलता रहेगा। और अगर पैसा ज़्यादा आता है, मान लीजिए डिविडेंड अच्छा खासा इन कंपनियों से मिलता है, तो फिर से आप री इन्वेस्ट करते रहिएगा ताकि आपकी जो पोर्टफोलियो और स्ट्रांग होता जाए, क्वांटिटी बढ़ती जाए, तो भविष्य में फिर से जो डिविडेंड आए पर शेयर के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपको जो है अच्छा खासा डिविडेंड मिलता रहे। अब देखिए रेक ने जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 में 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया, जो कि 121 रुपये के भाव पे, यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है 121 रुपये NSE पे, अगर 11 रुपये को हम डिवाइड करेंगे 121 में तो 9.06% निकल के आएगा, जो कि डिविडेंड यील्ड है। तो इस तरीके से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलग अलग कंपनियां जो हैं अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से डिविडेंड देती रहती हैं, तो आप भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वांटिटी बढ़ाने में फोकस कीजिए और डिविडेंड में जो है समय समय पे जो है भरते जाइए जितना जितना पैसा आता है। और यही नहीं, PSU की और भी कई कंपनियां हैं या प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो अच्छा खासा डिविडेंड पे करती हैं, आप चाहें तो वो भी फोकस कर सकते हैं। आज सिर्फ मकसद था कि आपको जो है गवर्नमेंट बैक्ड कंपनियों के बारे में बताऊँ, यानी कि जिनके प्रमोटर्स गवर्नमेंट हैं उन कंपनियों के बारे में चर्चा करूं और जो अच्छा खासा डिविडेंड पे करती हैं। तो ये कंपनियों को ज़रूर आप नज़र में रखें, राडार में रखें, चाहे तो आप धीरे धीरे निवेश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।